यहाँ पे चल रहा है इनका डांस। तो गाइस फाइनली मेरी दोस्तों आप सभी कैसे हैं, अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी नानी के घर से और ब्लॉगिंग का टाइम है 8:30 बजे और गुन्नू अभी उठ रही है, देख सकते हैं ये इतना लेट में उठती है, अभी 8:30 बजे उठ रही है। मैं इससे पहले कब सुबह उठ गई हूँ दोस्तों, और देखो लेजी को भी कर दिया है मैंने तैयारी स्कूल के लिए। हेलो बोलो दोस्तों, आप कैसे हो? आज है लेजी का पेपर, तो लेजी स्कूल के लिए हो गई है तैयार। तो कैसा लग रहा है आज पेपर? है ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, अच्छा ठीक लग रहा है। तो इसका है पेपर, तो अभी ये पेपर देने जाएगी, तो अभी इसके लिए नाश्ता बनाते हैं हम। और ये हमारी मिठू, हेलो बोलो मिठू। और एपी हेलो बोलो। जूता लगा रही मिठू का, हेलो बोलो। तो दोस्तों अभी पहले नाश्ता बनाते हैं, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे चल रहा है इनका डांस। फाइनली दीदी तैयार हो चुकी है, वो है कमरे के अंदर। और मैं कर, तो कैसे लग रहा है मैडम आपको अपने ससुराल जाते हुए? मायके से ससुराल जाना थोड़ा मतलब तो यार ससुराल तो जानी थी, तो रोन के जी मतलब अगर कोई भी लड़की अपने ससुराल जाती है अच्छा तो लगता है, बट ये है कि मायके से जहाँ इतना टाइम रहते हैं तो वहाँ से जाने से थोड़ा बहुत मतलब दीदी रोनो मत, रोनो मत, काजल बह जाएगा तेरा। काजल मैं लगाती नहीं हूँ। तो गाइस आप सुन चुके हैं मेरी दीदी को थोड़ा बेकार लग रहा है, उसकी वॉइस टोन जो आ रही है अब रोने वाली है वो थोड़ा। गाइस आप जाने लग गए हैं, बाय मिट्टू, हैप्पी बाय, ये ठीक है। तो चले हम अपने ससुराल, तो चले अब दीदी अपने ससुराल जाती हुई, मेरे को तो इसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और घर के नीचे हैं, इतनी भारी हूँ पहले ही हूँ। ये पहुंच चुके हैं हम रास्ते में, चल रहे गाइस। आज मैंने भी अपनी एक क्लास मिस कर ली है अपनी बहन के चक्कर में। तो दोस्तों अभी मौसी की दुकान पे आ गई हूँ मैं, और आज मुझे भेजने आएगी मेरी मौसी, तो मौसी का गोपेश्वर काम है, तो मतलब वहाँ तक मौसी आएगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे चमोली तक लेने, मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे, और यहाँ तक मैं मौसी के साथ जाऊँगी। और अभी मौसी भी तैयार हो रही है, तो दोस्तों अभी चलते हैं। और ये अभी गुन्नू की फ्रेंड पायल भी आई हुई है, मेरी बहन। हेलो बोल। हाय। तो ये दोनों जा रहे हैं कॉलेज, और इन्होंने आज कॉलेज की क्लास भी छोड़ दी है मेरे चक्कर में, एक क्लास छोड़ दी आज की, तो ये मुझे छोड़ने आएंगे मार्केट तक। तो दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, चलो दो लगते हैं। तो दोस्तों अभी बाटा लगते हैं, चल ठीक है, ओके बाय, ठीक है पायल बाय, हाँ जाओ बाय, फोन करके भी पहुँचती। Thank you.
भुवनेश्वर में, और अभी जा रहे हैं हम पहले बैंक में, तो मौसी जा रही है बैंक में और मेरे हस्बैंड भी आगे हैं, तो ये दोनों आगे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आगे हैं। हेलो बोलो बोलो, हेलो बोलो, इन्हें शर्म आ रही है। तो अभी मौसी जा रही है बैंक में, तो पहले बैंक का काम निपटा लेते हैं दोस्तों, तो आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ जी के दर्शन करने, तो हमने सोचा क्यों ना मंदिर चले जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो अभी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। आदि देव शंकर तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया था मस मेरा। चलते हम घर, क्योंकि हमें भी लेट हो रही है, मौसी को भी लेट हो रही है, तो अब चलते हैं घर। तो बाय बोल दे, बाय बाय गाइस। तो ये भी अब कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे और मैं जाऊंगी अपने ससुराल। बाय। तो दोस्तों अभी भूख लग गई है, तो अभी कुछ खा लेते हैं हम। तो अभी देख रहे हैं मेरे हस्बैंड कुछ ऑर्डर करेंगे, तो अभी कुछ खाते हैं दोस्तों पहले। तो दोस्तों मौसी और हस्बैंड जी तो नहीं खा रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और मेरे लिए मंगवा दिए हैं इन्होंने मोमो, और ये दाल चावल खाएंगे बाद में। तो दोस्तों मैं खाती हूँ पहले मोमो।